स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अपना करियर इवेंट मैनेजमेंट के सेक्टर में बनाना है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बीबीए इन इवेंट मैनेजमेंट कोर्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको ड्यूरेशन से लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस, एवरेज कोर्स फीस, एवरेज स्टार्टिंग सैलरी, सिलेबस, जॉब प्रोफाइल, एम्प्लॉयमेंट एरिया, टॉप कॉलेजेस, टॉप रिक्रूटर्स, हर एक चीज रिलेटेड टू बीबीए इन इवेंट मैनेजमेंट इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कोर्स की तरफ अभी हम आगे बढ़ते हैं। बीबीए इन इवेंट मैनेजमेंट इसका जो कोर्स लेवल है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल का रहता है, मतलब आप अपनी 12th को कंप्लीट करने के बाद में आप इस कोर्स की तरफ आप आगे बढ़ सकते हो। आगे बात करते हैं ड्यूरेशन के बारे में। देखिए, ये जो पूरे कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 3 साल का रहता है, मतलब 3 साल में इसमें आपको इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ी जितने भी चीजें उन सारी चीजों के बारे में इसमें आपको डिटेल में सिखाया जाएगा और टोटल यहाँ पे आपके 6 सेमेस्टर कंडक्ट किए जाएंगे। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखिए, 10+2 आपका 12th होना जरूरी है, 12th में मिनिमम आपके 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और 12th आपके एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, तभी जाके आप इस कोर्स को आप परस्यू कर सकते हो। आगे बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। देखिए, इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो 2 तरीके से होता है, एक होता है मेरिट बेस, दूसरा होता है एंट्रेंस एग्जाम। मेरिट बेस मतलब आपकी 12th के रिजल्ट के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा कॉलेजेस में, और एंट्रेंस एग्जाम मतलब बहुत सारी इंडिविजुअल कॉलेज है जो अपना एंट्रेंस एग्जाम वो कंडक्ट करवाती है, उन एंट्रेंस एग्जाम को आप क्लियर करके टॉप कॉलेजेस में आप अपना एडमिशन आप करवा सकते हो। आगे बात करते हैं एवरेज कोर्स फीस के बारे में। देखिए, ये जो पूरी कोर्स की जो फीस है वो 20,000 से लेकर 3 लाख तक आपकी पूरी कोर्स की फीस जा सकती है। ये डिपेंड करता है कॉलेजेस के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और उनके पढ़ाने के स्टाइल के ऊपर। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप अपना एडमिशन करवाते हो तो आपकी कोर्स फीस कम भी रह सकती है, पर अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप अपना एडमिशन करवाते हो तो आपकी कोर्स फीस और भी ज्यादा बढ़ भी सकती है। आगे बात करते हैं एवरेज स्टार्टिंग सैलरी के बारे में। देखिए, इस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद में आप 3 लाख से लेकर 6 लाख तक पर ईयर का कमा सकते हो। जैसे जैसे आपके रिलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट बढ़ता रहेगा। आगे बात करते हैं सिलेबस के बारे में, इस कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें आपको बेसिक्स ऑफ प्रैक्टिकल इवेंट मैनेजमेंट के बारे में इसमें आपको सिखाया जाएगा, इंट्रोडक्शन टू इवेंट मैनेजमेंट के बारे में इसमें आपको बताया जाएगा, इवेंट प्लानिंग एंड वेन्यू मैनेजमेंट के बारे में इसमें आपको सिखाया जाएगा, इवेंट प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया, इवेंट मार्केटिंग एंड स्पॉन्सरशिप, स्पेशल इवेंट्स, वेडिंग प्लानिंग एंड लाइव इवेंट्स, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, इवेंट सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन, जैसे यहाँ पे ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स है जो इस कोर्स में आपको सीखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में कि इस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद में आप कौन से जॉब प्रोफाइल पे आप काम करोगे, तो चलिए देखते हैं। तो आप इवेंट प्लानर के प्रोफाइल पे आप काम कर सकते हो, इवेंट मैनेजर की प्रोफाइल हो सकती है, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर, वेडिंग प्लानर, कॉर्पोरेट इवेंट प्लानर, फेस्टिवल कोऑर्डिनेटर, एग्जीबिशन मैनेजर, इवेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, वेन्यू कोऑर्डिनेटर, इवेंट लॉजिस्टिक्स मैनेजर, जैसे यहाँ पे ऐसे कुछ प्रोफाइल्स है जिनमें आप काम कर सकते हो इस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद में। आगे बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एरियाज के बारे में कि आप उन जॉब प्रोफाइल पे कौन से एरियाज पे आप काम करोगे, तो चलिए देखते हैं। तो आप डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन DMOs के एरियाज पे आप काम कर सकते हो, एग्जीबिशन एंड ट्रेड शो ऑर्गेनाइजर्स के कुछ एरियाज हो सकते हैं, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन एजेंसीज के कुछ एरियाज हो गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनीज, वेडिंग एंड इवेंट वेन्यूज, क्रूज लाइन्स, इवेंट टेक्नोलॉजी कंपनीज, जैसे यहाँ पे ऐसे कुछ एरियाज है जिनमें आप काम कर सकते हो इस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद में। आगे बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में जो इस कोर्स को वो ऑफर करती हैं, जैसे कि MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी जो आता है पुणे में, वर्चुअल वोएच कॉलेज ऑफ डिजाइन मीडिया आर्ट एंड मैनेजमेंट इंदौर, NDIEM न्यू दिल्ली, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर, RIMT यूनिवर्सिटी गोविंदगढ़, IIEM न्यू दिल्ली, GEMSB स्कूल बैंगलोर, संदीप यूनिवर्सिटी नासिक, अमिटी यूनिवर्सिटी मुंबई, भारतीय विद्यापीठ डीमन यूनिवर्सिटी पुणे, जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर, आयरनवुड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ग्लोबल एकेडमी मुंबई, इंपैक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इवेंट मैनेजमेंट जो आता है न्यू दिल्ली में। अगर आपका इन टॉप कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है तो आगे जाके आपको प्लेसमेंट मिलने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं कुछ टॉप के रिक्रूटर्स के बारे में जो इस कोर्स के स्टूडेंट्स को वो हायर करते हैं, जैसे कि ई फैक्टर, सीनयुग एंटरटेनमेंट, कॉक्स एंड किंग,
डीएनए नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, सरकॉन एंड टेफकॉन ग्रुप, परसेप्ट डी मार्क, सीता कॉन्फ्रेंस, विस्क्राफ्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड जैसे यहाँ पे ऐसे कुछ टॉप रिक्रूटर्स है जो बीबीए इन इवेंट मैनेजमेंट की स्टूडेंट्स को वो हायर करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको ड्यूरेशन से लेकर सैलरी तक, सिलेबस से लेकर टॉप रिक्रूटर्स तक हर एक चीज मैंने आपको डिटेल में बताई है। पर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप अपने डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपके डाउट्स का रिप्लाई करके मुझे खुशी होगी। तो आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको बीबीए इन इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करना है। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के कोर्स रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में बनाता हूं। फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।